तो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल रेडिनेट्स पे। मैं और सिद्धार्थ भाई आपका वेलकम करते हुए एक बार फिर हमारे संग बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज का जो वीडियो हमारा जिस मोटिव पे होने वाला वो है आपका राइडिंग। जैसा कि हमारा चैनल का नाम है रेडिनेट्स, तो हमने अपना पहला ब्लॉग ईटिंग पर दिखाया और ये हमारा सेकेंड ब्लॉग है जो हम लोग शूट कर रहे हैं राइडिंग के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइम जो राइडर लॉन्ग रूट जाते हैं, लॉन्ग रूट आप लोग घूरना पसंद करते हैं, लॉन्ग रूट पे जाना एंजॉय करते हैं, वो लोग के लिए जो राइडिंग गियर जो दरकार पड़ेगा फर्स्टली वो चीज बताएंगे आपको। वैसे तो बहुत सारे राइडिंग गियर्स आपको परचेज करना पड़ता है, पर जो जो बेसिक चीज आपको दरकार पड़ेगा सबसे पहले वो चीज का हम लोग आज रिव्यू देंगे। और जैसा कि बिगिनर्स राइडर और यंगस्ट राइडर हम जैसे मेरे और सिद्धार्थ जैसे है, तो आप लोग जरूर ये वीडियो देखे कि किस किस कंपनी का और किस किस तरह से आपको ये सब चीज परचेज करना है और आपको दरकार कहाँ कहाँ पड़ेगा इस सब चीज का। तो अंत तक बने रहे हमारे इस ब्लॉग पे, स्किप मत करे, ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है जो लोग नियर राइडर्स उन लोग के लिए। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैनल का। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना पहला एक्सेसरी जो मेन सबसे ज्यादा आपको दरकार पड़ता है कोई भी अच्छा राइडिंग राइड करने के लिए और अच्छा जगह पे जाने के लिए, जैसे सिक्किम आपका इलाका हुआ ऐसा इलाका हिल स्टेशन जाने के लिए। आइए ये हेलमेट का हम लोग रिव्यू जानेंगे भाई सिद्धार्थ से, जो कि ये हेलमेट भाई सिद्धार्थ का ही है और ये हेलमेट से सिद्धार्थ भाई ने अच्छे चीज एक्सपीरियंस किया, क्या बुरी चीज का एक्सपीरियंस किया, आइए हम लोग सुनते हैं उनसे। बताइए सिद्धार्थ भाई। दोस्तों ये हेलमेट बाकी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत है, क्योंकि सबसे पहले ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में और भी हेलमेट आते हैं, LH2 MT और भी रकम रकम के आते हैं, वो सब थोड़ा भारी भी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बहुत। तो ये रेंज में आपको 4200 के रेंज में मैं बताना चाहूंगा, ये हेलमेट बाकी बहुत अच्छा है। इसका आपका काम देखिए, इसमें वेंटिलेटर भी अच्छा है क्योंकि इससे हवा पास होने में लाभ होता है बहुत। इसका ये भी देखिए, इधर भी देख सकते हैं, इससे भी हवा आने में गर्मी के टाइम में इसके लिए बहुत अच्छा है, ठंडे टाइम में भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी फॉग गियर पिन लॉक। और ये सबसे पहले ये डॉटेड हेलमेट है, आप गिरने से आपको सेफ्टी बहुत है, आप गिरेंगे तो आप बच सकते हैं इससे। क्योंकि और मैंने कहा पहले भी बहुत ही कम दाम में 4200 में ये हेलमेट आते हैं और बहुत ही बेनिफिट्स भी आपको दे जाते हैं क्योंकि इसमें एंटी फॉग है, पिन लॉक है, आप देख सकते हैं पिन लॉक ये वाला, इसमें आपको फॉग नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास और भी मतलब हेलमेट थे स्टड्स के थे और भी एक दो रकम के हेलमेट थे, उस समय ना फॉग जाने, अब पहाड़ में चलाने से जैसे गेंटो फेंटो जाने बहुत ही दिक्कत होता है, जब आप ठंडे टाइम में जब आप हाईवे में जाते हैं उसमें ही बहुत तबीयत फॉग जम जाता है, पूरा पूरा पानी जम जाता है, इसमें ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बार इसको आप लेके देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हेलमेट है। बस खाली एक ही बार इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है आपका, आप देख सकते हैं ये स्ट्रैप, स्ट्रैप यही बस एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ये लगाने में, क्योंकि हम लोग बहुत रुकते हैं बीच में चाय पीने के लिए, फिर बहुत कुछ टॉयलेट वगैरह ये सब करने के लिए हम लोग रुकते हैं बहुत समय, है ना भाई। तो इस सब में हम लोग खोलने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होते हैं। और एक ये अच्छा क्वालिटी का भी नहीं बोल सकते आप क्योंकि देख सकते हैं आप ये कपड़ा का ये दिया हुआ है, एक अच्छा फिटिंग वाला जैसा कि आप लोग नॉर्मल शर्ट्स के हेलमेट पाते वो इसमें नहीं मिला है, पर फिर भी हेलमेट मेरे ख्याल से अच्छा ही है। बस सिर्फ कंपनी से भी इसको चेंज कर दे तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है। और सबसे पहले मैं बार बार कहा ये बहुत ही कम दाम में आते 4200 में। और सबसे पहले इसका ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा सुंदर और बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है, और भी मार्केट में है ग्राफिक्स आप वो भी देख सकते हैं, मगर ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिया। और ये हमने परचेस किया था वेलिंगटन से, तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं वेलिंगटन से, इसका ग्राफिक आपको बहुत सारा रंग में मिलेगा प्रिंटेड में। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सेसरी का तरफ जो कि आपको दरकार पड़ेगा, सबसे मेन दरकार आपको अगर आप राइडिंग गियर्स परचेस करना चाहते हैं। देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ये ग्लव्स जो हमने परचेस किया था फर्स्ट टाइम जब हम लोग जा रहे थे सिक्किम, आपका हम लोग को उतना आइडिया नहीं था कि हम लोग को कैसा हम लोग को हाथ में फीलिंग होगा, ठंडा लगेगा कि नहीं, इस वजह से हमने सोचा कि रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स हम परचेस कर ले। हम लोग ने परचेस किया, ये मैंने परचेस किया और ये सिद्धार्थ भाई ने, ये आपका पड़ा कम से कम आपका 1600 रुपीज तक पड़ा ये, और ये आपका 1200 रुपीज तक पड़ा ये। मुझे इस चीज में ये खास लगा कि इसमें अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ, आप देख सकते हैं अच्छा एक फाइबर का ऑप्टिक लगा हुआ इधर पे, एक फाइबर से अच्छा आपको सेफ करने के लिए, आपका आपका इस जगह को अच्छे से गार्ड करने के लिए अच्छा गार्ड दिया हुआ इधर पे, और इधर पे एयर पास है, देखिए आप सकते हैं गैप पॉइंटेड गैप्स एयर पास होने के लिए,
और अच्छा यहाँ पे ग्रिप दिया हुआ देख सकते हैं आप बाइक चलाएंगे तो अच्छा ग्रिप मिलेगा आपको। और इधर पे आपका सेफ्टी का लिए वाला चीज दिया हुआ देख सकते हैं आप, ये चीज आपका सेफ होने के लिए। तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कि ये कंफर्टेबल कैसा है पहनने में। देख सकते हैं आपका इसका स्ट्रैप, सबसे बेस्ट मुझे इसका स्ट्रैप और इसका ये गार्ड लगा, जो कि मेन दरकार पड़ता है जब हम लोग सिटी राइड करते हैं या फिर नॉर्मल कहीं भी राइडिंग करते हैं। तो मैं इसे पहन के आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप, देखिए इस चीज, ये जो कंपोनेंट है ना इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग इसे लेके गए पर हम लोग को इतना पता नहीं था कि ठंडा कैसा लगेगा, इसलिए हम लोग ने इनर भी लिया था। अगर ये इनर नहीं होता तो हमारा हाथ पूरा जकड़ जाता ठंडा से, इस वजह से हमने ये 25 किया था। पर ये ठीक ठाक ही है आपका सिटी राइड के लिए। आइए इसका पूछेंगे सिद्धार्थ भाई को, इसका कैसा लगा सिद्धार्थ भाई, इसका रिव्यू दीजिए। ये भी ठीक ठाक था मगर ये सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि गैंगटॉक वगैरह या सिक्किम जाते तो ये शायद उतना काम नहीं करे, क्योंकि हम लोग मालूम नहीं था, हम लोग फर्स्ट टाइम ही गए थे हम लोग। तो ये अच्छा ही है रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि आप इसको आप सिटी राइड में आप यूज कर सकते, सिटी राइड में ये आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल लेगा और भी अच्छे ग्रिप रहेगा। मगर बाहर के लिए या सिक्किम या फिर कहीं और भी जा सकते हैं आप लोग, उसके लिए मगर ये कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि इससे ये देखिए ये जो है ना जाली वाली टाइप, इससे मतलब हवा आता था अंदर, एयर पास होता है इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता था। मगर ठीक है, अच्छा है, मगर आप लोग मतलब बाहर जाने के लिए इसको ना ले आप लोग, कोई और इसका रॉयल एनफील्ड और भी अच्छा अच्छा है वो भी देख सकते हैं आप लोग, और जो किसी कंपनी का अच्छा अच्छा हेलमेट आते हैं विंटर ग्लव्स, आपको विंटर प्रोटेक्शन देने के लिए विंटर ग्लव्स। और ये आप देख सकते हैं ये अच्छा बुलेट का टेक्सचर, ये डिकैथलॉन से लिया था हमने 99 रुपीस में शायद, हाँ हमने 99 रुपीस में लिया था शायद, हाँ। तो ये अच्छा बुलेट का हमारे हाथ को बहुत इसने सेव किया, तो ये ठीक ठाक ही था। पर सिटी राइड के लिए मैं प्रिफर करूंगा ये सब चीज आपको सिटी राइड के लिए यूज करना चाहिए। अगर आप अच्छा कहीं पहाड़ी इलाका में ये हिल स्टेशन में जाना चाहते हैं आपका बाइक को लेकर, तो आपको एक अच्छा और मजबूत आपको एक ग्लव्स का दरकार पड़ेगा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट थर्ड एसेसरीज के बारे में बढ़ते हैं, जो कि आपका मेन पड़ेगा आपका ये एल्बो गार्ड और ये आपका नी गार्ड, जो कि आपको कहीं भी जाइए आपको प्रोटेक्शन फर्स्ट रखना है आपको। देख सकते हैं आप, हमने ये स्कॉयको का परचेज किया था, स्कॉयको का फ्लिपकार्ट से हमने परचेज किया था साथ दिया, और ये अच्छा है आपका, देख सकते हैं आप, मैं पहन के भी रखा हुआ इसे, मार्केट में भी बहुत सारा मिल रहा था, हम लोग ने देखा था एक स्टील वाला था आपका, स्टील का अच्छा आर्मर से बना था, पर वो ज्यादा भारी और अनकंफर्टेबल फीलिंग लग रहा था उसमें। इससे अच्छा आप पैंट ले सकते हैं, पैंट जिसमें आपका नी गार्ड आगे से लगा रहता है, गार्ड आगे से लगा रहता है, वो गार्ड वाला ले सकते हैं, जैकेट या पैंट आप। पर ये जो हमने लिया ये हमारा लगभग लगभग प्राइस कितना पड़ता था सिद्धार्थ, दिया इसका 1600 रुपये समथिंग पड़ा, और ये अच्छा प्रोटेक्शन भी दे रहा है, देख सकते हैं आप, फाइबर इसका अच्छा क्वालिटी का फाइबर है और कंफर्टेबल भी है। पर इसका एक ही चीज मुझे इरिटेशन किया, हाथ वाला का देख सकते हैं आप, ये वाला चीज तो, ये वाला इसका लास्टिंग कवर से इस चीज तो लास्टिंग में चपक जाते थे, निकालने में पूरा इसका लास्टिंग का देख सकते हैं आप रेसर ऐसा उड़ जा रहा, पूरा लास्टिंग का बॉबलिंग टाइप का उड़ जा रहा देख सकते हैं आप। पर ये ठीक ही था मेरे ख्याल से, और भी जैसा कि आप अच्छा अगर राइड चलाते हैं, अच्छा बाइक चलाते हैं अगर आप, तो आपको इस सब चीज का उतना, पर फिर भी आपको एक अच्छा चीज हमेशा लेना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। नीगार्ड के बारे में देखते हैं सिद्धार्थ भाई, बताइए नीगार्ड के बारे में आपका। नीगार्ड भी बहुत अच्छा है, आवाजी गिरते हैं तो सबसे पहले पैर में ही लगते हैं हम लोग, और पैर के लिए अच्छा ही है ये, मैं खराब नहीं बोला, कंफर्टेबल है, क्योंकि और मार्केट से तो कंफर्टेबल ही है ये, आप इसको ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग मैंने कहा हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और चीप एंड बेस्ट में कम दाम में यही अच्छा है। ये तो बहुत सारे है और भी, मगर वो नहीं लेके आप यही ले सकते हैं कम दाम में, यही अच्छा है बहुत, मैं इतना कहना चाहूंगा। आइए हम लोग बढ़ते अपना फोर्थ गियर और एसेसरी की तरफ में, ये टैंड बैग और सैडल बैग के बारे में। इसके पहले जब मैं स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहता हूं ये भाई इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आप सभी को, ये भाई हमारे संदीप भाई, जो एक हमारे यूट्यूबर भाई है, ये भी ब्लॉगिंग करते हैं, इनका भी चैनल है मिस्टर 100 350, आप इसके चैनल को विजिट कर सकते हैं, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे भाई हमारे संग, ये भी गए थे सिक्किम में टूर किए थे ये भी, होप करते कि आप इनका चैनल को, जैसे आपने हमें सपोर्ट दिखाया इनका चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें, मिस्टर 100 350 यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं बताना चाहूँगा पहले टैंड बैग के बारे में, जो टैंड बैग सबसे मेन दरकार पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट्स अपना कैरी करने में, किसी भी राइड में आप जाए अगर लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं अगर आप। तो मैंने ये परचेज किया था आपका रेनॉक्स का, देख सकते हैं आप रेनॉक्स का टैग लगा हुआ इधर पे, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, और मुझे ये टैंड बैग जिस प्राइस में मैंने लिया, गौर से आप सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये चीज, ये बहुत सारे लोग बार बार सर्च करते हैं टैन बैग टैन बैग टैन बैग, तो ये देखिए आप
राइनॉक्स से अच्छा आपको टैन बैग नहीं मिल सकता, क्योंकि राइनॉक्स का 3,500 रुपीज का प्राइस में मैंने बहुत अच्छा देखा, ये सबसे अच्छा मुझे यही लगा, क्योंकि इसका क्वालिटी भी अच्छा है। इसका आप देखते बैग में हार्डी बैग है ये आपका, और इसका बहुत सारा इसका इधर पे देख सकते हैं आपका जगह, एक मेन जगह जो ये है आपका पहला जगह में ये बता दू, ये देखिए आप कितना बड़ा स्पेस मिलता है आपको इधर पे, इधर पे एक रेन कवर भी है, ये रेन कवर है, और इधर पे जगह देखिए आप अच्छा से आपको गार्ड कर सकते जगह को इधर पे, और एक इधर पे एक पॉकेट है, और इधर पे एक पॉकेट है आपका, इधर पे आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, इसे आप अपना पर्स रख सकते हैं इसमें, और ये आपका डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए ये जगह सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं भी रास्ता में अगर पुलिस वुलिस रोके तो आपको ये चीज में आपको सामने रहने से आपको निकालने में तकलीफ नहीं होता है। और इधर भी एक चेन है, इधर पे भी देख सकते हैं आप, इधर पे भी अच्छा स्पेस है, और इधर पे भी एक अच्छा स्पेस है इधर पे भी। और इसका एक अच्छा चीज है, मुझे ये लगा क्योंकि मेरे पास आपका क्लासिक है रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350, तो उसका तो पूरा टैंक तो आप जानते हैं पूरा आयरन का है, पूरा लोहा का बना हुआ टैंक है, तो उसमें मेरा ये मैग्नेट जो था राइनॉक्स का मैग्नेट, ये बहुत ज्यादा ये हार्डी मैग्नेट और अच्छा क्वालिटी का मैग्नेट है, क्योंकि एक बार लग जाने से मेरा ये टैन बैग से हिल भी नहीं रहता और पूरा स्टील था। इस चीज के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट लगा ये राइनॉक्स का ये, और यहाँ पे लेदर का टेक्सचर देख सकते हैं आपको बारिश से कवर करने के लिए आपका, वैसे भी ये कि वो वाटरप्रूफ है, एक वाटरप्रूफ टैन बैग है जिसमें आपको बारिश से आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स हर एक फाइल जो मेन रखते हैं आप इसमें से बचा सकते हैं, और ये एक रेन कवर ऑफकोर्स ये कि वाटरप्रूफ है पर फिर भी बाई चांस रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये भी इसमें दिया गया है आप पॉलिएस्टर का, अच्छा देख सकते हैं आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है इस प्राइस में और इस क्वालिटी में, मुझे इससे बेस्ट शायद ही मैंने देखा था, और मैंने बहुत सारा चीज देखा था फ्लिपकार्ट में पर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा इसलिए मैंने इसे परचेस किया। आइए हम सैडल बैग के बारे में जानेंगे भाई संदीप से। तो जैसा कि आप लोग ने देखा टैंक बैग भाई बहुत ही अच्छा बोला है, और मुझे भी लगता है ये प्राइस में ये टैंक बैग से बेहतर कुछ होगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैंक बैग और सैडल बैग, आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो आप लोग को कपड़ा आपका सामान रखने में, जब स्पेशली बाइक से जा रहे हैं तो आप लोग को ये चीज़ लेना ही चाहिए। और ये मैंने लिया था गोल्डन राइडर का, बेहतर क्वालिटी का है, इसका भी क्वालिटी अच्छा है, सिंगल आदमी के लिए बेहतर है। ये आप लोग को दिखाऊंगा, अंदर का स्पेस देख लीजिए, ये वाला एक फेस आता है 24 लीटर और दो फेस ऑलमोस्ट 50 लीटर का आ जाता है, और इसका हम लोग का प्राइस दिया था 2,000 रुपया। आप लोग इससे भी बेहतर देख सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा अच्छा है, रहना उसका भी है, पर ये जो हम लोग का था दोनों तरफ बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के था, आपका 7 से 8 दिन का कपड़ा 1 जून का आराम से हो जाएगा, 2 जून का भी कपड़ा भर सकते हैं दोनों तरफ, बहुत ही अच्छा था दोनों तरफ का, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये भी वाटर प्रूफ दिया है, और इसका वाटर का लिए अगर ज़्यादा जोर से बारिश हो इसका दोनों तरफ का कवर भी दिया है, आप इसको कवर करके ऑरेंज कलर का कवर से ढक भी सकते हैं, और इस ये जब लगाइएगा ना गाड़ी में तो इसका बैक रिफ्लेक्टर भी है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आपका लाइट वाइट नहीं जल रहा, पीछे से कोई गाड़ी लाइट मारेगा तो ये फोकस होगा उसको, तो आप लोग ये सब छोटा मोटा चीज़ ले सकते हैं, और स्पेशली छोटा मोटा चीज़ नहीं ये मेन चीज़ है जो आपको लेना ही है, नहीं तो इसके बिना आप लोग नहीं जा पाइएगा, आप कपड़ा ही नहीं रख पाइएगा। आप लोग देखिए इससे भी बेहतर सर्च करने से मिलेगा, ये मेरा बजट में जो था मैंने वो लिया, ये मेरा पड़ गया था 2,000 रुपये का ऑलमोस्ट, और ये टैंक बैग 3,500, दोनों चीज़ बहुत ही बढ़िया है। आप लोग और जानकारी के लिए हम लोकेशन बने रहिए, आइए हम लोग अपने दूसरे एक्सेसरी की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना फिफ्थ और मेन लास्ट एक्सेसरी का तरफ में, जो कि बूट्स, जो आप कहीं भी राइडिंग के लिए यूज करें तो ये बूट्स आपको सबसे ज्यादा दरकार पड़ेगा, ये ठंडा जगह हो या कहीं भी आप राइड करके जाते हैं बाइक से अपना लॉन्ग टूर पे, तो ये बूट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको ये बूट्स। जैसा कि हम लोग ने किया था, हम लोग गए थे घूमने सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम का टाइप, नॉर्थ सिक्किम हम लोग एंटर नहीं किए थे पर हम लोग सिक्किम में थे, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि बूट बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है, अभी तक इतना दूर जाने इधर से कलकत्ता से हम लोग सिक्किम जाने तक भी ये बूट्स बहुत अच्छा कंडीशन में थे। देख सकते हैं आपने ये वुडलैंड का बूट्स है ये, और ये वुडलैंड का बूट्स है ये, मैंने लगभग ट्रिप में जाने के आपका 3-4 दिन आगे मंगवाया था, देख सकते हैं आप ये वुडलैंड का जूता, देख सकते देखिए कितना अच्छा क्वालिटी में वुडलैंड का ये जूता है, देख सकते हैं आप इसका ग्रिप, देख सकते हैं नीचे का ग्रिप, जो कि जो राइडिंग कर रहा था मैं इसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ इस चीज से राइडिंग करने में। और सबसे मेन चीज का ये है
इसका लेदर क्वालिटी बहुत अच्छा है, इतना रफ यूज होने के बाद भी देख सकते हैं लेदर क्वालिटी कितना अच्छा है और अभी भी इतना अच्छा कंडीशन में है। ये मैंने आपका लगभग आपका 2300 में लिया था, बहुत दिन से मुझे लेना था, पर इसका प्राइस बहुत हाई दिखा रहा था आपका ऑफलाइन में, पर मैंने ऑनलाइन प्रीफर किया, देखा मैंने ऑनलाइन में 3-4 दिन में जो ये प्राइस कम हुआ अचानक, तो मैंने फर्स्ट दिन से ऑर्डर कर दिया और मुझे 3 दिन में ऑर्डर रिसीव हो गया। और ये सिद्धार्थ भाई लिए थे, इसका दाम 2900 पड़ा, बिल्कुल सेम ही क्वालिटी का दोनों, पर मुझे डेट में थोड़ा अलग फर्क हो गया, ये मैंने पहले बुक किया, कुछ देर बाद मैंने बुक किया, तो इसका प्राइस आपका 2300 से डायरेक्ट 2900 तक हो गया था, 3000 तक पड़ गया था इसका जूता का प्राइस हमें। और ये दोनों ही बहुत ही अच्छा है वुडलैंड का, मैं बोलूंगा आपको अगर बूट्स लेना चाहते तो वुडलैंड का लीजिए। और ये बूट्स से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बूट्स बेसी दामी भी नहीं है आपका, 1000 रुपये में बहुत अच्छा बूट्स है। ये मैंने बिल्सुल आर्ट से लिया था आपका, पार्क सर्कस में जो बिल्सुल आर्ट है पोदपुकुर उधर से, देख सकते हैं आप इसका लेदर का टेक्सचर बहुत सुंदर है, ये दोनों से सुंदर मुझे ये लगा क्योंकि इसका लेदर का टेक्सचर बहुत अच्छा है, एक डैशिंग पर्सनैलिटी और एक अच्छा राइडर स्मार्टी टाइप में लुक देता है ये। और देख सकते हैं आप, देखिए इसे, ये भी अंदर में बहुत गर्म है, इसका अंदर में सोल देख सकते हैं आप, अच्छा रबर का फिनिशिंग इसमें। यही बोलना चाहूंगा इसके बारे में, ये मुझे 1000 रुपीज में पड़ा था, ये 2300 और ये 2900 में पड़ा था, बस यही था इस बूट्स के बारे में। तो होप करते हैं गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा था राइडिंग गियर्स के बारे में, आशा करते हैं एक अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से हमें मिले, इसलिए इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हम लोग का चैनल को अच्छा ग्रोथ दिलाइए, भाई लोग का अपना चैनल को, आप लोग का अपना चैनल, जिस चीज़ का भी दरकार है आप लोग कमेंट करिए, उस चीज़ का हम लोग इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बना के लेके आएंगे आपको राइडिंग गियर्स और राइडिंग के किसी भी सवाल के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, तो इसलिए गाइस और हम लोग अपना नेक्स्ट ब्लॉग जिस चीज पे लाने वाले हो सिद्धार्थ भैया बताएंगे आपको। नेक्स्ट ब्लॉग जो होने वाला है वो आफ्टर राइड, जो हम लोग राइड करके आए वो था गैंगटॉक, पिलिंग और दार्जिलिंग, ये 3 जगह से हम लोग राइड करने आने के बाद जो हम लोग गाड़ी का जो समस्या हुआ था, मतलब क्या अच्छा है क्या खराब था, मतलब जाने में क्या प्रॉब्लम हुआ था, पहाड़ में क्या प्रॉब्लम हुआ था और आने के टाइम में क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद गाड़ी कैसा चल रहा था, वो सब आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हमारे साथ बने रहे। और सबसे पहला बात, सबसे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खुशी वाला बात है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी नॉर्थ सिक्किम का वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाले हम लोग खुद जाने वाले हैं नवंबर में, दिस नवंबर गाइस हम लोग जाने वाले हैं आपका नॉर्थ सिक्किम, गुड़दमन लेक, लाचुंग और जीरो पॉइंट जो कि मेन जगह है आपका, हो सके तो हम लोग सिल्क रोड भी जाने वाले हैं, सिल्क रोड भी जाने वाले नॉर्थ सिक्किम का मोस्ट अच्छा अच्छा प्लेसेस को हम लोग विजिट करेंगे नवंबर, वो भी बाइक से, ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंस के लिए और एक शानदार ब्लॉग के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब और चैनल को हम लोग अच्छा ग्रोथ दिलाइए गाइस। तब तक के लिए गाइस अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो गाइस बाय बाय।